एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई टाइम विद श्वेता। आप सभी का मेरे चैनल पढ़ाई टाइम विद श्वेता में स्वागत है। आज की वीडियो में हम एडिशन विद कैरिंग सीखने वाले हैं, कैरी वाले ऐड। इसमें बच्चे बहुत परेशान होते हैं, बहुत इजी तरीके से सीखेंगे, बहुत नॉर्मल है। बस आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स मैं करूँगी, फिर उसके बाद मैं आपको होमवर्क भी दूँगी। ये नंबर ले लीजिए, डिजिट लीजिए कुंती। बस हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा जैसे अभी आप सिंगल ऐड करते थे तो आपने ऐसे करा, 6, 6, 6 और 7, 13 ऐसे करा, हो गया डन। अभी आपको एक चीज ध्यान रखनी है, देखिए 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आया। ये याद रखना हमेशा कि राइट वाला नंबर नीचे लिखते हैं, लेफ्ट वाला नंबर ऊपर जाता है एज अ कैरी। तो हमारा 0 यहाँ आएगा, 1 गया कैरी। अभी सेम उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ ऐड करा, ये भी ऐड करेंगे। बस यहाँ पर अब हमारे पास 3 डिजिट्स हो गए, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अभी हो गया 13, 1, 3, 0। अब ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनके 6 टर्न है, इनके 7, अभी ऐड करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 का 3, जो राइट वाला नंबर है, राइट वाला यही है ना, 3 नीचे लिखना है, 1 ऊपर, लेफ्ट में का लेफ्ट वाला नंबर ऊपर। अभी इसे फिर से ऐड करिए, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 3 और 1, इतने हमने इन तीनों के डंडे खींचे। यहाँ क्या होता है, लेफ्ट वाले साइड में हमारे पास जो कैरी होता है वो भी हमारा नंबर के जैसे काउंट होता है, जैसे हम 2 काउंट करते हैं वैसे 3 काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11। चलिए कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको करवाती हूँ, इसी में एक और मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ। मैं डंडे नहीं खींचूंगी, अब आप खुद काउंट करिएगा, फिंगर से काउंट करिएगा, 7 और 3, 10। 10 का 0, जो राइट वाला नंबर था वो नीचे, लेफ्ट वाला गया ऊपर। अभी 6, 7, 8, 9, 10, 10। आई होप आपको समझ आ रहा हो, क्योंकि बहुत इजी। बस हमें एक चीज याद रखना होता है कि जो लेफ्ट वाला नंबर होता है वो जाता है ऊपर, और जो राइट वाला नंबर होता है वो आता है नीचे। हमेशा ये चीज याद रखना, और कैरी जाती है ऊपर। कैरी 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, जितने बड़े डिजिट की संख्या। कई बार आप 3, 3, 4, 4 डिजिट वाले नंबर आप सम करेंगे तो उसमें हमारा 2 भी होगा, 3 भी होगा। बस हमेशा एक ही चीज याद रखना इसमें, कि जो राइट वाली डिजिट होती है वो नीचे लिखते हैं, जो लेफ्ट वाली होती है वो हमारी एज अ कैरी ऊपर चली जाती है, और फिर उसे भी हमें ऐड करना पड़ता है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ जो आप खुद करेंगे एज अ होमवर्क। और एक और चीज, कई बच्चे ऐसा पूछते हैं कि ये कैरी वाले, आपको कोई बताएगा नहीं कैरी वाले, आप जब खुद ऐड करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। अगर वो नंबर 2 डिजिट में आ रहे होंगे ऐड करने पर तो वो कैरी वाले होंगे। देखिए जैसे ये सारे आप अंदाजा लगाइए, 4 और 3, 7, तो ये कैरी वाला नहीं है। कैरी वाला पूछना नहीं होता, जब हम करते हैं अगर हमारा नंबर ऐड करने पर 10 या 10 से ज्यादा आता है तो वो कैरी ही वाला होता है। तो आप खुद अब ऐड करेंगे तो आपको समझ आएगा धीरे धीरे। आई होप आपको समझ आया हो, आपने सीखे हो कैरी वाले ऐड।